प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है ऑटोमेटिक और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में को डिस्कस किया. एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरेज क्लासेस? टू आइडेंटिफाई द स्टोरेज लोकेशन, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ ऑफ द प्रॉब्लम. ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर आप लोगों को स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप और लाइफ पता करना है तो आप लोग स्टोरेज क्लास यूज करते हो. तो पहला था ऑटोमेटिक. अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे ऑटो लगाओ या ना लगाओ, बाई डिफॉल्ट इसकी जो स्टोरेज क्लास होती है वो ऑटोमेटिक होती है. मीन्स उसका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, और स्टोरेज लोकेशन क्या होती है? मेमोरी होती है. तो ध्यान से सुनो, ऑटोमेटिक के लिए जो स्टोरेज लोकेशन होती है वो मेमोरी होती है, और रजिस्टर के लिए क्या रहती है? रजिस्टर रहता है, सीपीयू रजिस्टर. थर्ड पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. ओके, तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है? एक्सटर्न. ठीक है, स्टोरेज लोकेशन मेमोरी. आप इतना तो समझ जाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है. स्टोरेज लोकेशन, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एक्सटर्न के साथ, तो उसकी जो मेमोरी बनेगी या क्रिएट होगी वो कहाँ होगी? मेमोरी में होगी. बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो होगी. स्कोप जो होता है ग्लोबल. अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? लोकल पढ़ रहे थे स्कोप. अभी पहली बार ही क्या पढ़ रहे हो? ग्लोबल. इसका क्या मीनिंग ये भी बताऊंगा. लाइफ, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड. लाइफ को भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझो एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सबसे पहले तो हम लोग क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ. लेट्स सी. सबसे पहला है कि मान लो कि मैंने कोई भी प्रोग्राम बनाया एज इट इज़. ध्यान से देखो भाई, पहला है कि मेमोरी क्या होती है. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? स्कोप ग्लोबल का मतलब क्या है? और लाइफ का मतलब क्या? मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसमें बहुत सारे फंक्शंस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ. ध्यान से देखो, मान लो कि एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आपने ए डॉट सी से सेव किया. किस प्रोग्राम से सेव किया? ए डॉट सी से आपने इस प्रोग्राम को सेव किया. आप अपनी फाइल को किसी ना किसी नाम से सेव करते हो, ठीक है. ये फाइल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली. इस फाइल में आप कुछ कोड लिख रहे हो. क्या कोड लिख रहे हो? ध्यान से देखो. तो देखो, मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा. मानो, ध्यान से सुनना, मैंने आप लोग हमेशा कहाँ से शुरुआत करते हो? मेन से शुरुआत को. तो आप लोग हेडर फाइल्स खुद से लिख लीजिएगा भाई, ठीक है. शुरुआत की मैंने, ठीक. और मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम था int a equals to 1 मान लो, और प्रिंट एफ, ठीक है. और प्रिंट एफ लिखने के बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया a, ठीक. और मैंने क्या किया, यहाँ से एक फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन, और प्रोग्राम को क्लोज किया. अगेन क्या किया, जब फंक्शन को कॉल करोगे तो कहीं ना कहीं फंक्शन को डिफाइन करना है. तो फंक्शन मान लो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फंक्शन कुछ भी मैं पास भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कॉलिंग है. और मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और एक वेरिएबल कोई बी ले लिया मान लो, और बी को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, और बी इक्वल्स टू बी प्लस वन किया, ठीक है. और इस तरीके से प्रोग्राम, या फिर यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल कर लिया मान लो सन, सन नाम का कोई फंक्शन बना दी सन, ठीक है. और मैंने यहाँ पर सन को भी डिफाइन कर दिया void सन, ठीक है. और ध्यान से सुनना, मैंने एक वेरिएबल लिया int b equals to assumed that 5 और printf percentile d, और आपका मैं प्रिंट कराऊंगा बी को. लेट्स सी, मान लो अज्यूम्ड दैट ये आपका एक प्रोग्राम है जो आपने अभी बनाया हुआ है. अब ध्यान से इस प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत है. देखो यार, हमेशा ध्यान देना, कोई भी वेरिएबल, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं. आज आप लोगों को एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ. दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जो होता है किसी बॉडी ब्लॉक के अंदर होता है, हमेशा किसी बॉडी ब्लॉक के अंदर होता है. मतलब जब आप इस वेरिएबल को अगर किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करोगे तो उसका स्कोप मींस उसका यूज जो है हम विद इन अ ब्लॉक ही कर सकते हैं, उसके बाहर उसका यूज नहीं कर सकते हैं. तो मान लो जैसे अगर एक ये ब्लॉक है तो इसमें लोकल वेरिएबल क्या है ए, इसमें लोकल वेरिएबल क्या है बी, इसमें लोकल वेरिएबल क्या है बी. और ऑलवेज रिमेंबर देयर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट, दैट वन इज ग्लोबल वेरिएबल. ऑलवेज रिमेंबर, अगर मान लो ये आपका ए डॉट सी की फाइल है, फाइल वन, ध्यान से सुनना, ये आपकी फाइल वन है, ठीक, फाइल वन है. अब इस फाइल में ध्यान से सुनना,
कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो विद इन अ फाइल, फाइल के अंदर ही सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता है। मतलब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा यही होती हैं कि उसको आप जो है मेन से ऊपर लिखो, हेडर फाइल से नीचे लिखो। मान लो मैंने इसकी वैल्यू जो है वो अज्यूम्ड दैट टू डिफाइन की, चलो ये बी है, मान लो कोई ग्लोबल वेरिएबल है बी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मैं ठीक, और दिस वन इज योर लोकल। एग्जैक्टली लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या है? ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है मींस एक फाइल के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर आप उस ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। बट जो लोकल वेरिएबल होता है उसको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब अगर मैं किसी रूम में रहता हूँ तो मेरा स्कोप जो है उस रूम का है, बट अगर मैं कहीं हवा में, अगर हवा में घूम रहा हूँ ऑब्वियसली बात है तो कोई भी मुझे एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल थिंग्स। अगर आप लोग देखो कि भाई इंटरनेट है तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल है, आप भी एक्सेस कर रहे हो और भी कोई एक्सेस कर रहे हैं, बट आपका जो समटाइम्स कभी ना कभी आप अपना मोबाइल कर रहे हो वो आपके लिए लोकल है क्योंकि उसे आप ही यूज़ कर रहे हो। तो खास बात है, ध्यान से देखो एग्जैक्टली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। देखो ऑलवेज रिमेंबर, आपका जब भी प्रोग्राम शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? मेन से शुरू होता है। कंपाइलर का जो कॉन्टैक्ट होगा या कंपाइलर जहाँ से कम्युनिकेट करेगा वो मेन से कम्युनिकेट करेगा, ठीक। मान लो कि ए इक्वल्स टू वन, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डिक्लेयर वेरिएबल व्हाट हैपन, मेमोरी बनती है। मान लो इसका एड्रेस वन है, इसको मैंने इनिशलाइज भी करना है, वन यहाँ पर आ गया तो प्रिंट क्या होगा? वन होगा, ठीक है। देयर इज नो डायलेमा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और वेरिएबल है जिसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इस ग्लोबल वेरिएबल की जो मेमोरी होगी वो यहाँ कहीं बनी होगी, मान लो बाहर आपके प्रोग्राम के अंदर ही, लेकिन इसकी मेमोरी जरूर बनी क्योंकि इसके पीछे डेटा टाइप लगा हुआ, इसका मतलब इसकी मेमोरी बननी वाली। मान लो इसका एड्रेस है टू, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मान लो ए प्रिंट करने के बाद फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद इस फंक्शन की बॉडी पे पहुंच गया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने लिखा प्रिंट ऑफ बी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जब भी कभी, ध्यान से सुनना, जब भी कभी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो तो पहले तो ढूंढो कि वो मेरे बॉडी विद इन अ बॉडी ब्लॉक कहीं डिक्लेयर किया गया है या कहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। कहीं भी डिक्लेयर डिफाइन किया, अगर नहीं किया गया होता है तब हम अपने फंक्शन के बाहर ग्लोबली चेक करते हैं क्या कहीं उसका डेफिनेशन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, खास बात ये होती है जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो ये फंक्शन एक ही प्रोग्राम का है, एक ही फाइल का है, बट ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा टू, और मैंने लिखा बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। लेकिन देर इज अनदर आइडिया। मान लो कि आपके जो लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है यहाँ से यहाँ तक है, कि लोकल वेरिएबल का भी नाम भी है और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी है, तो आप प्रायोरिटी किसे दोगे? मतलब अगर जो आपका लोकल, इसकी मेमोरी अलग बनेगी, इस बी, ध्यान से सुना, दिस बी इज डिफरेंट, दिस बी इज डिफरेंट, वाई? बिकॉज दिस इज ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड, इसका स्कोप कहाँ से यहाँ तक रहेगा, मतलब इसके लिए जो मेमोरी बनेगी आफ्टर दिस ब्लॉक ऑफ कंप्लीशन, लाइफ इसकी कंप्लीट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये चीज़ तो तुम जानते हो, बट इसकी लाइफ अभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसकी लाइफ जब डिस्ट्रॉय होगी, जब ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब इसका स्कोप कहाँ से यहाँ तक, मतलब इस ए का स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही डिस्ट्रॉय होगा, इस बी का यहाँ से यहाँ तक ही डिस्ट्रॉय होगा, मतलब मेमोरी तो अगर टू बाइट की एलोकेट हो रही है तो ये टू बाइट की डिस्ट्रॉय होगी कभी ना कभी। तो ध्यान से सुनो, हमेशा प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को मिलती है, लोकल और ग्लोबल में। मतलब इफ़ यू हैव लोकल वेरिएबल देन यू विल प्रिंट द फाइव नॉट द थ्री, बट अगर देर इज नो फाइव, यहाँ फाइव नहीं होता तो यहाँ क्या प्रिंट होता? थ्री प्रिंट होता। बात समझ रहे हो? ये चीज़ समझ में आ रही है। एक चीज और आपको नया आइडिया दे रहा हूँ, दोज हु आर बिगिनर्स टू द सी प्रोग्रामिंग, दे डोंट नो व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड ऑल। देखो यार, कई बार ऐसा होता है, ध्यान से देखो, कि एक टर्म लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जांपल फॉर एक्सटर्न, एग्जैक्टली एक्सटर्न क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन ये है कि ग्लोबल वेरिएबल को समझना जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लाइन आपको लिखी हुई है, एक्सटर्नल वेरिएबल एग्जिस्ट बाय एनी फंक्शन, एक्सटर्नल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल को ही ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताया, बट एक्सटर्न का यूज़ कैसे करते हैं वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो वो चीज़ ध्यान से समझना। देखो एक टर्म लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट, क्या लिख रहा हूँ? प्रोजेक्ट। देखो अभी तो आप लोग क्या है, टर्बो सी पे प्रोग्राम बना रहे हो या फिर जो भी मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर वहाँ प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जाके मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि कोड ब्लॉक्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस, जहाँ आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे आप लोग आपके लैपटॉप में फोल्डर होते हैं ना, तो फोल्डर के अंदर बहुत सारी आप फाइल्स रख सकते हो, ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज स्ट्रक्चर होता है आपके कोड ब्लॉक्स के अंदर, कि आप प्रोजेक्ट बनाओगे और प्रोजेक्ट के अंदर सी की कई फाइल रख सकते हो। मान लो बी डॉट सी फाइल भी हो सकती है, सी डॉट सी भी फाइल हो सकती है ना। इस तरीके से आपकी फाइल जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन कराओगे तो कम्बाइंडली बी डॉट सी जो आपने प्रोग्राम सेव किया होगा, सी डॉट सी जो प्रोग्राम सेव किया होगा, वो दोनों कम्बाइंडली चलेंगे। रीजन प्रोजेक्ट बनाने का क्या होता है, देखो यार इंडस्ट्री में तो कोई एक आदमी तो प्रोग्रामिंग करता है नहीं। मान लो 100 एम्प्लॉई है तो 100 अपनी अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर हर एक बंदा एक फाइल बना रहा होता है, और वो जब प्रोजेक्ट सब लोग मान लो 100 आदमी 100 फाइलें बना के तैयार करते हैं, तब जाके आपका पूरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनता है। और उस पूरे प्रोजेक्ट को जब रन, क्यों, क्योंकि सारे, ध्यान से सुनना, एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोज हुआ बिगनर्स जो लोग फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग बहुत सारी फाइल्स बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, आई एम ट्राइंग टू, मान लो एक प्रोग्राम आपने बनाया बी डॉट्स, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके ये आपका प्रोग्राम है सी डॉट सी, मैं इतने में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका प्रोग्राम है एक बी डॉट सी और एक प्रोग्राम है सी डॉट सी, ठीक है, मैंने लिखा void main, ध्यान से देखना, void main, मैंने लिखा void main, ठीक, ओके, ये बी डॉट सी है, ये सी डॉट सी है, ऑलवेज रिमेंबर एक प्रोजेक्ट का मतलब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, एक लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और ए को प्रिंट करा रहा हूँ और यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से सुनना, जैसे अगर भी कहीं पर लिखा हुआ है इंट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर इंट ए लिखा है तो ऑलवेज रिमेंबर इंट ए लिखते ही आप लोगों के लिए क्या होता है, मेमोरी बनती है, मेमोरी डिफाइन होती है, मेमोरी कहीं ना कहीं इसके लिए अलोकेट होती है, कितने बाइट की, 2 बाइट की। और अगर ध्यान से सुनना है, स्टोरेज क्लास कहाँ लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं, इसके आगे ऑटो लिख सकते हो, रजिस्टर लिख सकते हो, एक्स्टर्न लिख सकते हो, स्टोरेज लिखते हो। अगर मान लो इसी चीज़ के आगे आपका लिखा हुआ है एक्सटर्न इंट ए, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी इसके लिए मेमोरी नहीं बनेगी। वाई, ये चीज़ ध्यान से सुनना, क्यों, मान लो एक सी डॉट सी है, एक दूसरी फाइल है, उसमें लिखा हुआ है इंट ए इक्वल्स टू 5, मात्र इतना लिखा हुआ है मान लो, और इसके अंदर पूरा इनका अपना प्रोग्राम बना हुआ है, void और main और इनका एक लोकल वेरिएबल इन्होंने ले रखा है काउंट, है ना, और काउंट इक्वल्स टू 5, ठीक है, ध्यान से सुनना, और प्रिंट एफ, और लाइक प्रिंट एफ में ये लोग क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ये मैंने अकाउंट यहाँ पर प्रिंट करा रखा है, दिस इज, और यहाँ पर क्या कर रखा है, ए प्लस प्लस कर रखा है, तो ध्यान से सुनो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एक ये आपकी फाइल है, एक ये आपकी फाइल है, ऑलवेज रिमेंबर दे आर कनेक्टेड टू, एक ही प्रोजेक्ट की दो फाइलें आप सी प्रोजेक्ट के अंदर बना सकते हो। तो ध्यान से सुनना, रूल के अकॉर्डिंग मान लो ये हेडर फाइल्स यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ भी आपने दो हेडर फाइल्स लिख रखी हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स आप जो भी लिखते हैं वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब भी मान लो आप इस प्रोग्राम को रन कराओ तो यहाँ क्या एरर आएगी, एक एरर आएगी कि ए इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। अगर यहाँ आप यहाँ मान लो इंट ए लिखते हो तो आपको समझ जाओ ए इज़ ग्लोबल वेरिएबल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दिस इज़ एक्स्ट्रा पोर्शन, दिस इज़, ध्यान से सुनना, कि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स अगर इंट ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है, अगर फ्लोट आपका ग्लोबल वेरिएबल तो उसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 6 times 0 होती है, अगर आपका कैर ग्लोबल वेरिएबल तो आपका कुछ नहीं, नथिंग, नल होता है ना आप लोगों का, ये ब्लैंक होता है, ब्लैंक प्रिंट होगा, अगर आपका कोई पॉइंटर वेरिएबल है उस केस में आपका नल प्रिंट होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ध्यान से सुनो, अगर आप ए को प्रिंट करा रहे हो तो आप ए ढूंढोगे पहले, विदिन अ ब्लॉक ढूंढोगे, आउटसाइड द ब्लॉक देखोगे
तो कोई अच्छा ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल। अच्छा यहाँ तक क्या होगा, मान लो यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। मैंने अभी बताया कि ग्लोबल वेरिएबल की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो है, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा। पहली पॉसिबिलिटी जीरो। बट ध्यान से सुनो, मैं इस समय आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एक्सटर्नल पढ़ा रहा हूँ, एक्सटर्न। तो ध्यान से सुनो, इसके आगे अगर एक्सटर्न लिखा है, एक्सटर्न, तो एक्सटर्न पढ़ते ही कंपाइलर समझ जाएगा कि इस बंदे की या इस वेरिएबल की मेमोरी ऑलरेडी विद इन अ प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बन चुकी है। मतलब एक्सटर्न का मेन मोटिव ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस एनी वेरिएबल फ्रॉम द अदर फाइल एंड विद इन अ सेम प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर किसी और प्रोजेक्ट से आप वैल्यूज को उठाना चाहते हो या वैल्यू को रीड करना चाहते हो, इसकी मेमोरी, मैंने बताया कि इंट एक्सटर्न एक ही मेमोरी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू किसी और फाइल में सेम प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी बनी होगी, वो क्या होगा, फाइव होगा। तो एक्सटर्न ये बताएगा कि एक ही वैल्यू ऑलरेडी विद इन अ प्रोजेक्ट बट इन अदर फाइल ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ एक ही वैल्यू फाइव। तो पता है ये एक्सटर्न पढ़ते ही ए ढूंढेगा विद इन अ प्रोजेक्ट कहीं एक ही वैल्यू डिफाइन है, अगर डिफाइन है फाइव तो यहाँ पर पता है आउटपुट क्या आएगा, फाइव आएगा, ये वहाँ से उठाएगा वैल्यूज को। तो इतना समझ लो मेरी बात को, अगर एक्सटर्न नहीं लगाए तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए मैंने कहा एक्सटर्नल वेरिएबल आर एग्जिस्ट बाई एनी फंक्शन, एक्सटर्नल वेरिएबल आर एग्जिस्ट बाई एनी फंक्शन, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल, ये ग्लोबल है। बट एक्सटर्न लगने से ये और बता देगा कि इस ग्लोबल की आपको बाई डिफॉल्ट वैल्यू उठाने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं और किसी अदर फाइल में विद इन अ सेम प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। तो इसलिए ध्यान से सुनो, अगर मैं ध्यान से सुनो कि अगर मान लो, ध्यान से सुनो, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, स्कोप देखो ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब ये, अगर ध्यान से सुन लो ए क्या है इस समय एक्सटर्न वैल्यू, इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, एक ग्लोबल, ग्लोबल ये वाला जो तुमने ग्लोबल पढ़ा था ये विद इन अ सेम फाइल पढ़ा था, ये वाला जो ग्लोबल है ये विद इन अ अदर फाइल, मतलब विद इन अ प्रोजेक्ट बल बट इन डिफरेंट फाइल्स, इसका स्कोप है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 10 फाइल हैं, तो इस ए को मैं 10 फाइलों में एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो, ध्यान से सुनना, एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और बता दो, मान लो कि हे ध्यान से सुनना, एक पॉसिबिलिटी सुनना कि मान लो ये ए नॉट डिफाइंड है, हाँ जी ए नॉट डिफाइंड, मतलब ए को मैंने 5 असाइन नहीं कर रखा, तो बताओ यहाँ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। मैंने बताया एक्सटर्न की वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या होती है, जीरो, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है बाई डिफॉल्ट, जीरो, जीरो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, जीरो यहाँ से यहाँ प्रिंट हो जाएगा। बट एक्सटर्न लगने से इतना समझ जाएगा कि ये ए वेरिएबल इस पार्ट का प्रोग्राम नहीं है, वो किसी दूसरे फाइल का वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो, ध्यान से सुना, यू कैन ऑल्सो यूज़ द एक्सटर्न विद फंक्शंस टू। मीन्स मान लो आपके पास दो फाइल्स हैं, ठीक है, ये है राम डॉट सी की फाइल है और ये लक्ष्मण डॉट सी की फाइल है। आप लोग अभी जो है लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा रामायण देखी, तो मैम ये राम ने एक फाइल बनाई है, लक्ष्मण ने एक फाइल बनाई है, ठीक है, बट दे जो दोनों फाइल्स हैं वो एक ही प्रोजेक्ट को बिलोंग करती हैं, एक ही प्रोजेक्ट को बिलोंग करती हैं। मतलब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑलवेज। रिमेंबर जब मैं प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा तो लिंकिंग होती है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था कि कंपाइलेशन होता है, लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है, तो लिंकिंग इज नथिंग, एक फाइल से दूसरी फाइल की जो फंक्शंस हैं या फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग यूज होती है, नथिंग एल्स। मान लो ध्यान से सुनो, मैंने एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखो, मान लो लक्ष्मण जी ने एक फंक्शन बनाया कि void, ऐसे फंक्शन उन्होंने फंक्शन बनाया और ध्यान से सुनना, ओके, और ऑब्वियस ही बात है इन्होंने कुछ इसके अंदर कुछ भी किया, काउंट प्लस प्लस, मतलब अननेसेसरी कुछ भी वर्क किया, ठीक है, ठीक है, और इन्होंने हेडर फाइल्स लिखी, ऑब्वियस ही बात है, और मैम ठीक है, इन्होंने कहीं मान लो सिर्फ एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक मैं ग्लोबल वेरिएबल ले ले रहा हूँ, मान लो इंट काउंट प्लस प्लस, ठीक है, या फिर काउंट इक्वल्स टू वन ले रहा हूँ, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू, ठीक है। अब मान लो राम जी ने एक फाइल बनाई, ध्यान से सुनना, इन्होंने मेन बनाया, मेन के अंदर इन्होंने किया है फंक नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया डायरेक्ट,
इन्होंने और कुछ नहीं किया। हाँ जी, तो रूल के अकॉर्डिंग एक बात बताओ, अगर राम जी का प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें तो क्या होने वाला है? सोचो यार, सोचो सोचो सोचो। पहली एरर ये कहेगी कि भाई इसकी बॉडी नहीं कहीं पे। दूसरी एरर कि ये भाई कहीं डिक्लेयर ही नहीं है। चलो भाई तुमने डिक्लेयर कर दिया कि मान लो एक फंक्शन है, यहाँ ऊपर मेन से पहले क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन नाम से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया, ये कॉलिंग हो गई, बट देर इज़ नो बॉडी, स्टिल देर इज़ अ एरर। तो ध्यान से सुनो, हम अगर इस फंक्शन के आगे एक्स्टर लगा देंगे, एक्स्टर, तो ये बताएगा कि जो वॉइड फंक्शन है उसकी बॉडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है विद इन अ सेम, विद इन अ प्रोजेक्ट एंड इन अ डिफरेंट फाइल। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब एक्स्टर्न लग जाएगा, एक्स्टर्न का मतलब इस फंक्शन का स्कोप ग्लोबल हो चुका है, मतलब आई कैन एक्सेस द फंक नेम फंक्शन फ्रॉम अनदर फाइल ऑफ अ सेम प्रोजेक्ट। मैं फंक्शन को कॉल लगा सकता हूँ यहाँ से, मतलब फंक्शन सी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। और काउंट प्लस प्लस, तो एग्जैक्टली क्या करूँगा, काउंट यहाँ पर मैंने ग्लोबल वेरिएबल बन रहा है बन, उसकी वैल्यू को मैं टू करूँगा, टू करके मैं वापस आ जाऊँगा। सिर्फ एक नॉर्मल सा मैंने प्रोग्राम बना रखा, नथिंग एल्स। और अगर मैं इस फंक्शन के बाद यहाँ पर प्रिंट समथिंग लाइक दैट, तो मेरा कहने का मतलब ये है, यू कैन ऑल्सो यूज एक्सटर्न विद द फंक्शन टू एक्सेस और टू कॉल द फंक्शन फ्रॉम द अनदर फाइल बट विद इन अ सेम प्रोजेक्ट। सो दैट इज द मेन यूज ऑफ अ एक्सटर्न, यू कैन एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द अदर फाइल टू। तो एक्सटर्नल वेरिएबल सिंपली अ ग्लोबल वेरिएबल, बट एक्सटर्न लगने से कंपाइलर को ये पता चल जाता है इसका डेफिनेशन, या इसको ऑलरेडी असाइन, या इसको इनिशियलाइज, या इसकी मेमोरी कहीं और फाइल में विद इन अ सेम प्रोजेक्ट बना देगी। दैट्स इट। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट स्टैटिक क्लास। थैंक यू।